वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सैफ अली खान और करीना कपूर के पड़ोसी क्यों हो गए हैं उनसे परेशान। अजय देवगन रिवील करेंगे आखिर क्यों काजोल नहीं पहुंची जब तक है जान के प्रीमियर पर। बताएंगे कैसे कटरीना बनने जा रही है सबसे महंगी एक्ट्रेस। फिल्म लाइफ ऑफ पाई के प्रीमियर पर पहुंचे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। और दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत स्टार्स के पॉपुलैरिटी के साइड इफेक्ट्स झेलने वाले उनके पड़ोसियों की खबर से। रिसेंटली सैफ अली खान और करीना कपूर की संगीत सेरेमनी के दौरान मीडिया में कुछ पिक्चर्स आए थे जिसकी वजह से सैफीना ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में खूब हंगामा खड़ा किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि सैफ और करीना की वजह से उनकी पड़ोसी है काफी परेशान। क्या है पड़ोसियों की परेशानी की वजह, लेट्स फाइंड आउट। कभी दाएं से लग रहा है तो कभी बाएं से। जिस झटके की बात हम कर रहे हैं सुनने में आया है कि वो झटका लग रहा है सैफ और करीना के पड़ोसियों को। जी हाँ, जहां बॉलीवुड स्टार्स का पड़ोसी होना हर किसी का सपना होता है, वही रिपोर्टेडली सैफ और करीना बन गए हैं अपने पड़ोसियों के लिए मुसीबत। जिसकी शुरुआत मीडिया दोनों की शादी से पहले हुए संगीत पर ही दिखा चुका है, जब सैफ करीना के संगीत पर प्ले किए गए लाउड म्यूजिक में लोकल रेजिडेंट्स की कंप्लेंट भी अनसुनी कर दी गई थी। आवाज बिल्कुल नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं है, आप लोग खाली इशू बना रहे। आवाज है, आवाज किसी का कंप्लेंट आया नहीं है, कंप्लेंट किसी का भी नहीं है और आवाज भी बिल्कुल नहीं है। शांति से उनका घर में चल रहा प्रोग्राम। लेकिन अब सोर्सेस से पता चला है कि शादी के कई दिन बाद भी सैफ करीना के पड़ोसियों को इस सेलेब कपल के घर अक्सर होने वाली पार्टीज और यहां प्ले होने वाले लाउड म्यूजिक से निजात नहीं मिल पाई है। उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि सैफ करीना के अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले कई लोग उनके घर पर प्ले होने वाले लाउड म्यूजिक से परेशान हो गए हैं। और तो और यहां तक कहा जा रहा है कि पड़ोसी सैफ की बैड इमेज की वजह से कुछ भी कहने से डर भी रहे हैं। अब ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सैफ का ये ठहरा क्यों है। इस डर की वजह शायद एक 5-स्टार होटल में करीना और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सैफ का वो डिनर है, जहां डिनर के दौरान सैफ पर असॉल्ट के एलिगेशंस लगा दिए गए थे। रिपोर्टेडली इस इंसिडेंट में सैफ ने अपनी टेबल पर जोर जोर से बातें करने की कंप्लेंट किए जाने पर एक साउथ अफ्रीका बेस्ड बिजनेसमैन के साथ मारपीट तक कर डाली थी। शायद इन्हीं आरोपों की वजह से सैफ की सोसाइटी के आसपास के लोग उनकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी आई थी कि सैफ अपने पड़ोसियों से परेशान है और उनके कुछ पड़ोसी उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। ऐसी ही कई बातों के बाद रिसेंटली सुनने में आया था कि सैफ ने अपने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड भी बदलवा दिया था। वेल, हो सकता है कि कोई पड़ोसी जानबूझकर सैफ को परेशान कर रहा हो, पर जो भी सुनने में आ रहा है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक नहीं बल्कि सैफ के कई पड़ोसियों को सैफ करीना के घर से रोज रोज होने वाले शोर शराबे से परेशानी हो रही है। और तो और रिपोर्टेडली सैफ करीना के इन नेबर्स का ये भी कहना है कि सैफ के घर बजने वाला म्यूजिक और हंगामा उस डेसिबल लेवल से कहीं ज्यादा है जो रेजिडेंशियल जोन के लिए रखी गई है, पर शायद सैफ का रौब उनके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोगों पर इस हद तक चढ़ा हुआ है कि कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं जा रही है। लेकिन अगर ये बात सही है तो सोचने वाली बात यह है कि आए दिन गली मोहल्लों में जाकर देर रात बजने वाली म्यूजिक को बंद करवाने वाली मुंबई पुलिस के कानों तक ये लाउड म्यूजिक क्यों नहीं पड़ रहा है। कंप्लेंट किसी का भी नहीं है और आवाज भी बिल्कुल नहीं है, शांति से उनका घर में चल रहा प्रोग्राम। 500 लोग हैं जो कह सकते हैं आवाज है। क्या पुलिस इनडायरेक्टली सैफ अली खान को फेवर कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जब तक है जान के ग्रैंड प्रीमियर पर पूरे बॉलीवुड की मौजूदगी के बावजूद मीडिया पर्सन की नजरें एक्ट्रेस काजोल को तलाश कर रही थी, लेकिन काजोल इस इवेंट पर नहीं पहुंची। और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर अजय देवगन बताएंगे इसकी वजह।
It's absolutely Kajol's choice. I have never stopped her from doing anything, let alone associating with Yash Raj. She's been close to them and has acted in quite a few of their movies. And anyway, this is not a personal fight. फिल्म जब तक है जान के प्रीमियर से ठीक पहले अजय देवगन ने साफ कहा था कि सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की कंट्रोवर्सी का कोई भी इफेक्ट यशराज फिल्म्स और काजोल के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अजय के इस स्टेटमेंट के बावजूद जब तक है जान के ग्रैंड प्रीमियर पर काजोल नहीं पहुंची। इस प्रीमियर पर यश चोपड़ा की सारी हीरोइंस मौजूद थी लेकिन काजोल कहीं भी नजर नहीं आई। वेल, तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या काजोल अजय देवगन की वजह से यहाँ नहीं आई या फिर काजोल इस ग्रैंड प्रीमियर पर पहुंचकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहती थी। वेल, तो अब आखिरकार प्रीमियर के 10 दिन बाद इस सवाल का जवाब सामने आ गया है। जी हाँ, अजय देवगन ने काजोल की जब तक है जान के प्रीमियर से गैर मौजूदगी की वजह का खुलासा किया है। अजय का कहना है, I had asked Kajol that if you're invited, you must go, and she wasn't very sure, and she was in a dilemma. But that dilemma was cleared very nicely by her not being invited. I want to say this on record that she was not invited. As her husband, I'm making an announcement that she was not invited. जी हाँ, इस प्रीमियर पर जहाँ काजोल की एक झलक के लिए सारा मीडिया इंतजार कर रहा था, उन्हें यहाँ आने के लिए इनविटेशन तक नहीं भेजा गया था। मतलब साफ है कि इस बॉक्स ऑफिस क्रैश की वजह से प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल रिश्ते भी खराब हुए हैं। वैसे सोर्सेज से ये भी पता चला है कि सन ऑफ सरदार और जब तक है जान की कंट्रोवर्सी शुरू होने से काफी पहले ही काजोल और यशराज फिल्म्स के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। दरअसल फिल्म बोल बच्चन के मेकिंग के दौरान अजय यशराज फिल्म्स के प्रोडक्शन में बने सॉन्ग कजरारे के कुछ पोर्शंस को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके लिए पहले तो यशराज फिल्म्स ने 5 लाख रुपए की डिमांड की और बाद में ये डिमांड 25 लाख रुपए तक बढ़ा दी। और यही वजह है कि यशराज की कई फिल्म्स में बिना किसी पैसे लिए केमियो करने वाली काजोल इस प्रोडक्शन हाउस से नाराज हो गए। वैसे उस समय तो अजय ने काजोल का गुस्सा किसी तरह शांत कर दिया था, लेकिन जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह से इन दोनों फैमिलीज के खराब रिश्ते अब खुलकर सामने आ गए हैं। वी होप धीरे धीरे समय के साथ यशराज फैमिली और अजय देवगन के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। एक था टाइगर और जब तक है जान जैसी बैक टू बैक हिट फिल्म्स की वजह से कटरीना बन गई है हर इवेंट ऑर्गेनाइजर की फेवरेट। तभी तो कैट अब एक अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए कर रही है करोड़ों रुपए की डिमांड। सिर्फ अपने ठुमकों के लिए कटरीना कैफ चार्ज करेंगी 3 करोड़ रुपए। एक अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स ने कटरीना कैफ को ऑफर की 3 करोड़ रुपए की डील। ये अवार्ड शो नेक्स्ट ईयर जनवरी में होने वाला है, जिसके लिए कटरीना कैफ को ऑलरेडी बुक कर दिया गया है। एक्ट्रेसेस की रेस में कटरीना अपनी कंटेम्प्रेरी से बहुत आगे निकल चुकी है, फिर चाहे वो फिल्म प्रोजेक्ट्स की रेस हो या डांस परफॉर्मेंसेस की। वैसे अब तक तीनों खान्स के साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अब तक सिर्फ करीना का नाम आया था, लेकिन अब कटरीना कैफ भी नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है और वो भी यशराज फिल्म्स के साथ। खान्स और यशराज फिल्म के कॉम्बिनेशन ने कटरीना कैफ को और भी सक्सेसफुल बना दिया है। वैसे खबरों की माने तो कटरीना बन गई है एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, जिन्हें एक अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस के लिए मिल रहे हैं 3 करोड़। इससे पहले किसी भी एक्ट्रेस को इतने पैसे नहीं मिले फॉर अ डांस परफॉर्मेंस एट एन अवार्ड शो। और अब जब करीना इज नॉट डूइंग मच प्रोजेक्ट्स, तो कटरीना का मार्केट काफी चढ़ रहा है और इस साल का सक्सेस रेट देखते हुए वो करंट फेवरेट भी बन गई है, तो 3 करोड़ एक अवार्ड नाइट के लिए तो बनता ही है। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर एंजेली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई का प्रीमियर कल मुंबई के एक थिएटर में रखा गया और यहाँ नजर आए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। टेक अ लुक। कल रखा गया फिल्म लाइफ ऑफ पाई का प्रीमियर, जहाँ पहुंचे कई सारे सेलेब्स टू सपोर्ट द फिल्म। यहाँ पहुंचा हर एक सेलेब। तब्बू और इरफान खान की बहुत तारीफ कर रहा था। सबसे पहले वी स्पॉटेड अभिनव कश्यप एंड डेविड धवन, हु सीम्ड टू एक्साइटेड फॉर द फिल्म। आई एम लुकिंग एट अ विजुअल स्पेक्टिकल लाइक ऑल एंग्ली फिल्म्स लाइक क्राउचिंग टाइगर एंड लाइक ब्रोकबैक माउंटेन। सो आई एम लुकिंग एट अ विजुअल स्पेक्टिकल, प्लस रिव्यूज कह रहे हैं कि दिस इज द नेक्स्ट अवतार, तो आई एम वेरी क्यूरियस। लुकिंग फॉर अ ग्रैंड फिल्म यार, आई मीन द ट्रेलर्स, प्लस आई एम सो हैप्पी दैट इरफान एंड तब्बू आर देयर एंड
it's such a big film. It's a 100 million film, and you know, Fox film, they both are there. So it gives me a lot of pleasure as a Bollywood guy, you know, to see our people reaching there. And though obviously the director is very big, and we're looking for a great film. इसके अलावा यहाँ आए कुणाल कोहली और नसीरुद्दीन शाह भी, जिन्होंने Life of Pi novel already पढ़ी है, and they too are looking forward to watch the film. I heard about the book a couple of years ago. I was like, this book can't be made into a film. But of course, it takes Ang Lee to make the impossible possible. And really looking forward to seeing the film. I believe the visual effects are absolutely spectacular and out of the world. And Irfan is an absolutely wonderful performer. Tabu, I mean, the more said about Tabu, the less it is, because she's such a brilliant performer herself. I'm very, very happy that there's wonderful actors like Irfan and Tabu around who can represent India as players on the world scene. It's very fortunate, and we've come a long way from the days when Mr. I.S. Johar used to play those small roles in big Hollywood productions. Amrita Rao, Kabir Khan along with his wife Mini Mathur, Gauri Shinde aur R. Balki bhi yahan aaye to watch the film. Well, our performances, phenomenal performances for sure, because when you have actors like Irfan and Tabu, expectations are obviously high. Always something to look forward to. And there's Irfan, there's Tabu, and my favorite actor Arjun. So, really looking forward to it. I mean, if there's an Ang Lee film, I would definitely come and see an Ang Lee film. But the fact that it comes, you know, with Tabu, with Irfan, I'm really looking forward to it. And I've seen the trailer. It's really very intriguing and exciting. So obviously, it's sort of the whole package is very exciting. Now it's time to meet the hosts of the film's premiere. Hum baat kar rahe hain Irfan aur Tabu ki, jo the equally excited seeing the excitement among the film industry. Very excited. Also, I can feel that there's a kind of curiosity in the audience as well as the film industry. And I hope it has been a long wait for us, and I hope people like it as much as we like the film. Excited ho. नर्वसनेस नहीं है क्योंकि इसका बोझ मेरे कंधों पे तो है नहीं. डायरेक्टर की फिल्म है, लड़के की फिल्म है, टाइगर की फिल्म है, तो मैंने तो इसे बस एंजॉय किया है. और मैं आज भी एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, मैं इसको एंजॉय करने ही आई हूँ. तब्बू और इरफान ने मकबूल और द नेमसेक जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, और जब ऐसे मौके पर हमने इरफान से पूछा कि वो किस रोल में देखना चाहेंगे तब्बू को, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा. मेरा बहुत पहले से मानना है तब्बू शुड डू कॉमेडी. शी हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड आई थिंक शी इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली इन कॉमेडी. She can do wonders. अब जब हम यहाँ सिद्धार्थ रॉय कपूर को देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सिर्फ एक ही सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी होगी, और वो था उनकी और विद्या बालन की शादी का सवाल. पर देखिए कैसे सिद्धार्थ इस इवेंट पर भी बात को टाल कर चले गए. I'm here for the Life of Pi, so that's really all I can talk about today. Thank you. तो ये था Life of Pi का ग्रैंड प्रीमियर, जहां स्टार्स तो काफी नहीं दिखे, हां मगर फिल्म मेकर्स कई सारे आए नजर. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान फिल्म जब तक है जान को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं. और रिसेंटली एक इवेंट पर शाहरुख ने अपनी एक्साइटमेंट जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर की. टेक अ लुक. जब तक है जान की सक्सेस के बाद शाहरुख के हाथ आया एक नया प्रोजेक्ट, बट इसका टारगेट ग्रुप थोड़ा सा हटके है. हाय शाहरुख, वेलकम टू जूम. थैंक यू वेरी मच. इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिसका टीजी थोड़ा हटके है. आई मीन वो ऑडियंस नहीं है जो फिल्में भी देखती हैं. नहीं, वही ऑडियंस है. आई थिंक यू नो, मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो काम जो है बच्चों के दिल तक पहुँचना चाहिए. मेरे अपने बच्चे हैं, और मैं दिल से मुझे ऐसा लगता है मैं बच्चा हूँ. मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि पापा बच्चों की तरह बिहेव करते हो. सो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर उन तक कोई ऐसी चीज़ हो, चाहे मेरी फिल्म हो, मैंने रावण भी उनके लिए बनाई थी, और मैं जो क्रिकेट का है वो भी मुझे लगता है यंगस्टर्स को स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए. तो ये तो बहुत ही ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ है जो मेरे को अच्छी लगती हैं चीज़ें, कि एंटरटेनमेंट भी है
मुझे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में बहुत दिलचस्पी है बच्चों की, तो इसमें थोड़ा सा एजुकेशन भी है और तीसरा इसमें बच्चों के बारे में है. सो आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट अगर मैं ऐसा किसी एक नज़रे से देखूँ तो. अगर बात करें बॉलीवुड की तो हम थोड़ा बॉलीवुड इसमें मिसिंग दिखा. हर बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा होकर शाहरुख खान जैसा बनूँ, आमिर खान बनूँ, ये सारे एक्टर्स का ड्रीम करता है, तो क्या बॉलीवुड एंगल भी इसमें रहे? हाँ एक्चुअली हमने हाँ अभी अभी बन रहा है एक्चुअली. आई विश हम चार महीने बाद जब इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा आपको फिर बुलाएं और दिखाएं. बहुत खूबसूरत है और हम इसको थोड़ा सा उसके अंदर लोकल फ्लेवर करेंगे. इसमें हम क्रिकेट का कर रहे हैं जो शायद दुनिया में किसी और किड्ज़ानिया में नहीं है, और हम बॉलीवुड भी डालेंगे जो दूसरे किड्ज़ानिया में नहीं है. इसके अलावा जब तक है जहाँ सक्सेस हो गई, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, शाहरुख खान को किस तरह से रिएक्शंस मिले हैं? मुझे मैं माशाल्लाह ऐसा है कि अभी जब हम फिल्म बनाते हैं तो उसका एक हाइप और नाम बड़ा ही हो जाता है. तो पहले दो तीन दिन तो इतनी चीज़ें इतनी बातें होती हैं, हर किसी के पास एक ओपिनियन होता है, फिर लोग नंबर्स में घुस जाते हैं. तो मैं पहले दो तीन दिन जो है एकदम एक्चुअली मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कहीं चला जाऊँ. इस बार चांस नहीं मिला. अमूमन मैं देश से बाहर होता हूँ, पिक्चर की प्रमोशन पर वहीं रह जाता हूँ, तो इस भीड़ भाड़ से दूर हो जाता हूँ मैं. तो मैं 5-6 दिन इंतज़ार करता हूँ और आज छठा या सातवां दिन है, और जो मुझे रिएक्शन मिल रहे हैं क्योंकि मैंने कई फिल्में ऐसी की हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई हैं, तो मुझे वो फील होता है. मैं घर से बाहर निकलता हूँ या लोग जब सैटरडे संडे को घर के बाहर खड़े होते हैं या दोस्त लोग मिलते हैं या बाहर ऐसे ही आऊँ, आई कैन फील इट जब उसके बारे में बात करते हैं कि यार वो जब तक है जान देखी उसकी आँख में जो चमक होती है, तो उस चमक के हिसाब से मैं जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी है. क्योंकि समर आनंद का कैरेक्टर वर्क किया है, अकीरा और मीरा का कैरेक्टर जो कटरीना और अनुष्का ने किया है वो वर्क किया है, और अलग किस्म की फिल्म है. कोई ऐसा आइटम या हाईलाइट नहीं है, प्योर स्टोरी टेलिंग है. थोड़ी लंबी है हमें भी मालूम है, लेकिन ये सब कहने के बावजूद कभी कभार क्योंकि हम कमर्शियल सिनेमा करते हैं तो हम उस भय में निकल ना जाएं कि सिर्फ यही करो, आइटम डाल दो या फिर एकदम आर्टिस्टिक ना करो. तो मुझे अच्छा लगता है कि पिछले कुछ सालों में मैं अलग किस्म की फिल्में कर सका हूँ जिसमें कुछ ना कुछ नई बात है, एंड आई थिंक ये बड़ी क्लासिकल प्योर लव स्टोरी विद अ डिफरेंस है. सो मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को इतनी अच्छी लगी. तो ये किड्ज़ानिया हो गया और जब तक है जाओगे, नेक्स्ट क्या है शाहरुख, हमें कब दिखने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं? बहुत सारे रूमर्स आते हैं ये फिल्म हो रहा है ये फिल्म, बट आप बताइए क्या क्या हो रहा है. Everyone knows, I think. I'm shooting Chennai Express just now, and then Happy New Year. और एक दो फिल्में और हैं जिनका भी decide नहीं हुआ है time वगैरह, but I'm talking to 3-4 people. और इंशाल्लाह जैसे वो तैयार हो जाएगा, जब उसके marketing शुरू हो जाएगी या जब उसके बारे में producer से बात करेंगे तो सबको मालूम ही पड़ जाएगा. बट अभी हम जो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अपनी production है तो कह सकता हूँ, रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित चेन्नई एक्सप्रेस विद दीपिका पादुकोण ने. थैंक यू एंड काय, थैंक यू एंड काय. तो ये थे शाहरुख अपने नए प्रोजेक्ट के साथ, कैमरामैन प्रमोद प्रधान के साथ चेतना सिंह, जू मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. रिसेंटली अमिताभ बच्चन को हमने स्पॉट किया इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चरल फेस्टिवल पर, और यहाँ पे ने मीडिया से की बात. टेक अ लुक. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल्चरल टाइज को मजबूत करने के लिए आजकल इंडो ऑस्ट्रेलियन कल्चरल फेस्टिवल ऑज फेस्ट चल रहा है, और कल इस फेस्टिवल पर बॉलीवुड की फर्स्ट एक्शन वुमन मानी जाने वाली एक्ट्रेस फियरलेस नादिया की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, और इस इवेंट पर मौजूद थे बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन. बिग बी ने इस इवेंट के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, ऑस्ट्रेलियन ऑज फेस्ट गवर्नमेंट सेलिब्रेट 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा विद शोइंग ऑफ फियरलेस नादिया फिल्म एंड ऑनर मी हम्बल. साथ ही कल की सबसे बड़ी खबर यानी अजमल कसब के फांसी पर बिग बी ने भी बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह अपनी राय रखी. करता है कि देश का कानून और उसका पालन हुआ है आज, और दुख इस बात की है कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक राहत मिली है उन सबको उनके जीवन में, खासतौर से जो हमारे पुलिस से संबंधित जितने भी अफसर थे और कुर्बानी दी उन्होंने देश के लिए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है. वेल, बिग बी ने इसके अलावा मीडिया से कुछ और ज्यादा बात नहीं की और इस इवेंट को एंजॉय किया. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई. विद दिस इट्स अ रैप. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल.